हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो थंबनेल आपने देख लिया है, टाइटल आपने पढ़ लिया, आपको पता है आज की वीडियो जो है किसके बारे में होने वाली है। तो गाइस, मेरी बाइक का जो स्पीडोमीटर की जो वायर है वो हो चुकी है ख़राब, और जो स्पीडोमीटर की जो ड्राइव रहती है नीचे, जो हमारे फ्रंट व्हील पर लगती है, मैं आपको अभी दिखा दूँगा, तो वो भी ख़राब हो चुकी है। अभी मैंने रिसेंटली बफिंग करवाई थी, तो जो बफिंग का ग्राइंडर रहता है वो उसके बीच में फंस गई थी, तो वो ऊपर से भी और नीचे दोनों जगह से निकल गई थी और बीच में से टूट गई थी। तो आज मैं वही रिप्लेस करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप अपने आप घर में वो चीज़ जो है खुद से ठीक कर सकते हो। तो जो मैं पार्ट्स लाया हूँ वो मैं रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन पार्ट्स लाया हूँ, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हमें ये स्क्रू ओपन करना है, इसको लूज़ करेंगे, और जो हमारी हेडलाइट है इसको हम खोल लेंगे, इस तरह से बाहर आ जाएगी, इसको साइड रख देंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये होता है हमारी स्पीडोमीटर की जो वायर यहाँ कनेक्ट होती है। तो पहले इसको खोल लेंगे, और ये देखिए ये यहाँ से खाली है, जो इसके अंदर वायर होती है वो यहाँ से नीचे श्रिंक होके, देख सकते हैं वायर जो है यहाँ इकट्ठी हो गई है सारी ये। तो पहले मैं इसको पुरानी वायर को आउट कर लेता हूँ, फिर आगे की वीडियो शूट करते हैं। तो अब यहाँ से हम वायर को आउट कर लेंगे। ये वायर आ गई है बाहर, अब नई वायर डालते हैं इसमें। तो गाइस देख सकते हैं ये है नई वायर, और ये है इसकी MRP। तो चलो इसको खोलते हैं। तो देख सकते हैं वायर जो है यहाँ पे, अब ये देखिए जो पुरानी वायर थी उसकी ये जो चीज़ थी, जो ये वायर होती है अंदर की, वो ख़त्म हो चुकी थी, जो यहाँ शो भी नहीं हो रही थी, और यहाँ से ये आ चुकी है इधर। और पहले मैं इस पर लगा के देखूँगा, जो ये स्पीडोमीटर के जो रनर होता है इस पर लगा के देखूँगा, अगर इस पर लगा के टायर घूम जाता है और स्पीडोमीटर काम करने लगता है तो फिर हम इस ड्राइव को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वायर चेंज करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। ऊपर तो ये टाइट हो चुका है, और अब हम नीचे टाइट करेंगे इसको। तो चलिए अब इसको नीचे टाइट करके देखते हैं कि बात बनती है या नहीं। तो यहां भी हो चुका है टाइट, देखो। और अब मैं टायर घुमा के चेक करता हूं। तो गाइस, अब मैं टायर घुमा के देखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो टायर है वो घूम रहा है, लेकिन जो नीडल है वो नहीं उठ रही। इसका मतलब हमें वो नीचे की जो ड्राइव रहती है वो भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो गाइज, इसके लिए पहले हमें टायर खोलना पड़ेगा, और चलो पहले टायर खोलते हैं, फिर ये जो हमारी आगे की स्पीडोमीटर की असेंबली रहती है इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो चलिए पहले हम टायर खोलते हैं। तो उसके लिए हमें 10 नंबर का ये पहले पाना चाहिए, तो इस तरह से, और इस तरह से पहले इसको हम करेंगे लूज। तो यहां से लूज हो चुका है। तो अब 24 नंबर पाना लेके तो देख सकते हैं हमारा जो ये रॉड का जो ये बोल्ट है ये खुल चुका है,
इसको संभाल के रख दें। तो यहाँ से अब आपको इस तरह से ठोकना है ताकि जो ये रॉड है बाहर निकल जाए। तो ये देखिए ये आ चुकी है बाहर और बाइक को हल्की सी सपोर्ट पे खड़ी कर दें और ये हमारा टायर है फ्री बाहर निकलने के, लेकिन हम इसको पूरा खोलेंगे नहीं। और ये देखिए ये हमारी पुरानी असेंबली, अब हम इसकी जगह लगाएंगे नई। इस तरह से रख के ये जो ग्रूव्स बने रहते हैं इस तरह से लगा देंगे हम इस तरह से। और जो रॉड है रॉड को वापस रखेंगे हम यहाँ और अंदर धकेल देंगे। तो बस अब हम वापस टायर को टाइट कर देंगे। तो ये यहां से हो चुका है टाइट। अब जो हमने ये पेज खोला था यहाँ से इसको भी टाइट कर देंगे। तो टायर हमारा अब अच्छे से घूम रहा है, ये भी फिट हो चुका है। तो अब हम इसमें ये लगाएंगे वायर और फिर करेंगे चेक। तो अब हम घुमाएंगे टायर। और ये देखिए जो नीडल है वो घूम रही है, उठ रही है ऊपर, मतलब हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए अब हेडलाइट को वापस फिक्स करते हैं। ये हमारी हेडलाइट भी हो चुकी है फिक्स। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी वायर में। तो देखिए यहाँ से कितनी एक्स्ट्रा वायर आउट हो चुकी है और यहाँ से बिल्कुल भी दिख नहीं रही, ये देख सकते हैं। यहाँ से जो इस तरह का वायर का जो एंड होता है वो दिख भी नहीं रहा, बिल्कुल अंदर जा चुका है, इसलिए जो मीटर है वो काम नहीं कर रहा था। तो गाइज फाइनली आपने देखा हमने जो अपनी स्पीडोमीटर की वायर है वो रिप्लेस कर ली है और साथ में जो नीचे जो हमारी असेंबली रहती है ये हमने चेंज कर दी है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं और जो मेरा हैंडलर है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।